आप पक्का चाहते हैं कि मैं ये करूं? अरे 100% सौरभ, पक्का ना होता तो तुम्हें बुलाता क्या इस समय यहाँ पर? देर मत करो, फोन करो। हेलो डॉक्टर बासु जी, मैं रॉय चौधरी हवेली से बोल रहा हूँ। वो बड़े मालिक ने आपको याद किया है। बड़े मालिक मतलब बिनोय रॉय चौधरी जी ने बुलाया है कुछ जरूरी काम से। जी आता हूँ। ठीक है। क्या कहा डॉक्टर बासु ने? डॉक्टर बासु ने कहा कि वो आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे चिंता मत करो सौरभ, मैं तो बाबा के दिखाए हुए राह पर ही चल रहा हूँ। ये दो किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाओगे? एक बैरिस्टर का दिमाग बैरिस्टर की तरह चलता है, तर्क कर सकता है, शब्दों से खेल सकता है, पर डॉक्टर बनना चाहोगे ना तो मुंह की खाओगे। बौंदता की समस्या के जड़ तक सिर्फ एक डॉक्टर पहुंच सकता है, तो अब एक डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा और एक बैरिस्टर बैरिस्टर का। बड़े मालिक, डॉक्टर साहब आ गए। हेलो मिस्टर बिनॉय, कहिए कैसे याद किया आपने? आहा, डॉक्टर बासु, बौंदता का इलाज करने से जो मना कर दिया था, बस उसी के लिए आपसे मिलकर थैंक यू कहना चाहता था, इसीलिए बुलवा लिया आपको। डॉक्टर बासु, ये आपके लिए, और मालिक को अच्छा लगेगा अगर आप यहीं से बात करेंगे तो। आपका बड़पन है ये तो। वैसे भी आपका कहा कैसे मना कर सकता था मैं? आगे भी कोई आदेश हो तो कह दीजिएगा। आप ले जा सकते हैं इन्हें वापस, मैं औरतों की जांच नहीं करता। डॉक्टर बासु, मेरा बेटा अनिरुद्ध रॉय चौधरी, मिले तो हैं ही आप उसे। जब से लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आया है, पागल सा हो गया है, देश और समाज को बदलने की बातें करता रहता है। उसे लगता है वो बदल पाएगा देश और समाज को। पता नहीं रोज मेडिसिन की नई नई किताबें खोलकर पढ़ता रहता है, और ऐसे पढ़ता है जैसे जैसे मानो उस किताब में से कोई दवा निकल कर आ जाएगी उस लड़की की परेशानी दूर करने के लिए। अब इसे पागलपन ना कहें तो क्या कहें डॉक्टर बासु, क्या कहें? वैसे कोई इलाज है बौंदता की परेशानी का? नहीं। मिस्टर अनिरुद्ध जितनी भी कोशिश कर लें वो ठीक नहीं कर पाएंगे उन्हें। मैं भी यही मानता हूँ डॉक्टर बासु, मैं भी यही मानता हूँ, पर अनिरुद्ध को कैसे समझाऊं? वैसे वैसे क्यों नहीं कर पाएगा अनिरुद्ध बौंदता की परेशानी दूर, बता दीजिए ताकि ताकि मैं उसका दिमाग ठीक कर सकूं। जब उनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो कैसे ठीक होंगी वो? ऐसी कोई दवा है ही नहीं जो असर कर सके उनकी बीमारी पर। डॉक्टर बासु, हवाई जहाज बन रहे हैं, हर सेक्टर हर फील्ड में नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, सिवाय मेडिकल फील्ड के। क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा?
क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है? एक छोटी सी बच्ची की परेशानी दूर नहीं कर पा रहा हमारा मेडिकल फील्ड। ये बिनय बाबू क्या कह रहे हैं? खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते ही हैं ना कि नहीं हो उस लड़की की परेशानी दूर। पर मैं आपको बता दूं, हमारा चिकित्सा विज्ञान पीछे नहीं है। उनकी बीमारी की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है। What do you mean, Dr. Basu? आपका कहने का मतलब क्या है? अनिरुद्ध बाबू की बात सुनकर मैं जितना समझ सका था, मुझे यही लगता है कि बीमारी की जड़ आपकी बहू के दिमाग में बंद है। अब देखिए ना, ये समस्या ना तो उनको बचपन से थी, न ही उनके परिवार में किसी को थी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इसका संबंध उनके दिमाग से है। कोई डर या बुरी घटना है जो छिपी है इनके दिमाग में, जिसके कारण शायद उन्हें रात को डर लगता हो या अंधेरे में वो घटना वाला डर फिर से जिंदा हो जाता हो। खोलो दरवाजा! पापा, दरवाजा खोलो! पापा, दरवाजा खोलो! जिसकी वजह से वो नींद में बिस्तर गीला कर देती हैं। जरूर कोई मानसिक भाव लगा है उन्हें। डॉक्टर साहब जी, मालिक का आराम करने का समय हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर बासु, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम मिस्टर बिनॉय। ऐसा कौन सा डर है बोंदिता को? कौन सी घटना है जिसे अपने मन में डर बनाकर बैठी है बोंदिता? खोलो दरवाजा! पापा, दरवाजा खोलो! पापा को साफ काट ले, तो बचा लो पापा को! पापा, दरवाजा खोलो! पापा को बचा लो! पापा, बचा लो पापा को! बोंदिता, पापा, दरवाजा खोलो! बटो, क्या हुआ? बोंदिता को चिल्ला क्यों रही है? हाँ राजा, मैं तो बस बोंदिता क्या हुआ? मर जाएंगे मेरे पापा। पापा बचा लो मेरे पापा को। बाबा को? बोंदिता मैं हूँ यहाँ पे, बचा लेंगे। क्या हुआ बताओ, किसे बचाना है? बोंदिता, बोंदिता, बोंदिता बताओ क्या हुआ? हाँ बोंदिता, मैं देख रहा।
गलत किया हमने बहू की माँ को यहाँ बुला के? गलत था बहू को उसके घर भेजने का सुझाव? देख लिया ना क्या हुआ? हो गई ना बहू की तबीयत और खराब। पहले तो सिर्फ नींद में बिस्तर गीला करती थी और आज देखो जागते हुए भी जाने। और कितनी कितनी पवित्रता देखनी पड़ेगी हमें इस घर में। अरे हफ्तों तक गंगा जल छिड़कवाएंगे ना, तब भी शायद ही शुद्ध हो ये हवेली। अब करने देते ना, हमें भेज रहे थे ना उसे उसके घर, ठीक होके आ जाती ना वापस बहू की हैसियत से यहाँ पे। पर नहीं, तुम्हें कहा हमारी बात सुननी है। अब हार गए ना तुम तो चुनौती, अब भेजना पड़ेगा हमेशा के लिए वापस बहू को मायके। भारी मन से ही सही, पर बहू मान लिया था हमने बहू को। दोबारा बहू का स्थान दिला पाएंगे क्या हम बौंदिता को? हाथ नहीं बांध दिए तुमने हमारे, तुम्हारी बेवकूफी ने। वैसे भी क्या हो सकता है, समय ही कहां बचा है। कल सुबह तो वहां एकादशी की पूजा है और हम उसमें कोई विघ्न या अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनिरुद्ध मान लो कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं बचा। बस बस, अब और कुछ नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। कल सुबह सुबह बहू को ले जाओ, उसे उसके घर छोड़ाओ। वादा किया था ना तुमने 6 दिन में उसकी इस आदत में सुधार आ जाए। साथ मिलकर ही जीत सकते हैं ना हम दोनों। अब तो अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं, समस्या ठीक हो जाएगी ना मेरी। कोई इलाज है बौंदिता की परेशानी का? नहीं मिस्टर अनिरुद्ध, जितनी भी कोशिश कर ले वो ठीक नहीं कर पाएंगे उन्हें। बौंदिता, बौंदिता क्या हुआ? बचा लो मेरे पापा को। पापा, पापा। अरे अरे, हाथ से निकल गया है लड़का, जवाब तक नहीं दिया। चाहिए नहीं उसके पास कहने को दा, तो क्या जवाब देगा? पहली बार हार देखी है तो धक्का तो लगेगा ना उसे। खैर दा, मैं चुनौती जीत गया। कल की सुबह होते ही बौंदिता हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर होगी। फिर देखना दा, इस हवेली की दीवारों पर जो दाग लगे हैं ना वो भी साफ होंगे और साथ में रॉय चौधरियों की शान में जो दाग लगा था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उनकी बीमारी की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है, कोई डर या बुरी घटना है जो छिपी है उनके दिमाग में, या अंधेरे में वो घटना वाला डर फिर से जिंदा हो जाता हो जिसकी वजह से वो नींद में बिस्तर गीला कर देती हैं। जरूर कोई मानसिक भाव लगा है उन्हें। बौंदिता के मन में डर और उसके बाबा कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं पक्का। कैसे, क्यों, क्यों तभी डरी सहमी सी बौंदिता कह रही थी बाबा को बचा लो, बाबा को बचा लो। एकादशी की महापूजा कल है, अंगूठी माँ मैंने पहले भी कहा है ना आपसे, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। जानती हूँ, इसलिए मैं ये आपके लिए नहीं बौंदिता के लिए लाई हूँ, संभाल के रखिएगा इसे। बहुत खास है क्या ये अंगूठी? हाँ, आखिरी निशानी है ये उसके बाबा की। बौंदिता जब बड़ी हो जाए, समझदार बन जाए, तब आप ये उसे दे दीजिएगा। बौंदिता अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, मुझसे भी ज्यादा।
नहीं माँ, मैं ये नहीं मान सकता कि आपसे ज्यादा भी प्यार कर सकती है बोंदिता किसी से। बोंदिता आज जो भी है, निडर, बेबाक, हमेशा तर्क करने वाली, सच्चाई के लिए लड़ने वाली, ये सब उसके बाबा ने उसे सिखाया था। उन्होंने तो बोंदिता को कभी लड़की माना ही नहीं, लड़का ही मानते थे। कहते थे बोंदिता मेरा अभिमान है, और पलट कर बोंदिता कहती और बाबा, बाबा बोंदिता की ताकत। पर क्या मां? बोंदिता उस दिन बिल्कुल टूट गई थी जब उसने अपने आंखों के सामने अपने बाबा को दम तोड़ते हुए देखा। जहरीले सांप ने काट लिया था उन्हें। सॉरी दादा, सॉरी। वो गुस्सा आ रहा था मुझे जब बाबा ने बोंदिता का गुस्सा मुझ पर निकाला, मुझे डांटा और मेरी जादू की छड़ी भी तोड़ दी। इसलिए मैंने बोंदिता से कहा कि मैं जादू दिखा रहा हूँ। कमरे में अंधेरा कर दिया और फिर झट से बाहर आकर दरवाजे को भी बंद कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तो बस सोचा कि अंधेरे से डरा दूंगा उसे, अंधेरे कमरे में अकेली रहेगी तो अकल ठीक हो जाएगी उसकी। डर की बीमारी की दवा इसलिए नहीं है, छुपी है इनके दिमाग में। या फिर बीमारी इनके शरीर में ही नहीं है, फिर इसकी वजह से ही लगता है इनमें फिर से बीमारी की जड़। बटुक, गलती की है तो दंड तो मिलेगा ही ना। चलो चलो। चलो देखो तो बोंदिता, बटुक आया तुमसे माफी मांगने। पर मैंने कह दिया बोंदिता माफी नहीं देगी, दंड देगी। तो बताओ क्या दंड दें बटुक को? क्या कहा बोंदिता? मुर्गा बना दे। मुर्गा? दादा नहीं, मैं मुर्गा बना था कक्षा में तो पैंट फट गई थी मेरी। ऐसे ही कैसे चलेगा, बिना दंड दिए थोड़ी ना होगा कुछ, है ना बोंदिता? मुझे याद है बोंदिता कहती है कि गलती करोगे तो दंड मिलेगा, कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा। सही कहा ना बोंदिता? उठक बैठक करना पड़ेगा ना बटुक को, गलती की है उसने, दंड मिलेगा उसे। उठक बैठक दादा? नहीं, मैं कैसे लगाऊंगा उठक बैठक? क्यों? मेरा पेट बीच में आता है। पेट? बटुक ऐसे नहीं चलेगा, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करोगे तो मुर्गा बनकर अंडा देना पड़ेगा। सही कहा ना बोंदिता? बटुक को मुर्गा बनकर अंडा देना पड़ेगा ना। फिर चलो मुर्गा बनो। तुम ऐसे ही चुपचाप उदास रहोगी तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा बोंदिता? सही कहा तुमने बोंदिता, देखा बटुक, बोंदिता ने बोला ना अंडा मुर्गा नहीं मुर्गी देती है, तो इसका मतलब बोंदिता बटुक को कान पकड़ के उठक बैठक करना होगा ना। सही कहा तुमने, चलो बटुक कान पकड़ के उठक बैठक करो। दादा। बटुक
कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसा बोंदता ने कहा है वैसा करो। कान पकड़ के उठक बैठक करना है। शुरू करो। चलो है वंदिता, मैंने तुम्हारे लिए आज एक बहुत बहुत खास तैयारी की है। कैसी खास तैयारी? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना, बता भी दीजिए ना। चलो बता ही देता हूँ। तो पता है, तुम्हारे लिए एक खास जादू का कार्यक्रम रखवाया है। ये कार्यक्रम तो सिर्फ और सिर्फ बोंदिता के लिए है। मगर अब तो मैंने उठक बैठक भी लगाई दादा, कहूँ तो दो और लगा देता हूँ। मगर मुझे भी देखने दो ना जादू वाला कार्यक्रम। एक काम करते हैं, बोंदिता से पूछ लेते हैं। तो बताओ बोंदिता, आने दें क्या बटुक को? है ना, जहां साथ हो पति पत्नी वहां दुष्ट सास की मुश्किल है चलनी। अब थके होंगे ना, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। सच कहूं तो आज नींद नहीं आ रही। माँ की आवाज है। आप क्या कर रहे हैं आप? चोट लग रही है मुझे। पागल हो गए क्या? चोट लग रही है मुझे। मत मारिए, मत मारिए मुझे। आप लग रही है मुझे। मत मत बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मार क्यों रहे हो माँ को? क्यों मार रहे हो मतलब? तो हट बीच में से। ये ना मेरी पत्नी है, इसे सर पे बिठाना है कि मारना है ये मेरा निर्णय है, समझा? चलो हटो। आपकी पत्नी है तो मेरी माँ भी है। माँ आप जाइए मेरे कमरे में। दो रूप वाली है वो, और सामने तो बहुत प्यार जताती है वो, और पीठ पीछे तुम्हें और सौरभ को दूर रखने के लिए षड्यंत्र रच रही है वो। और जाइए। नहीं नहीं बेटा, क्या कह रहा है तू? तेरा नया नया विवाह हुआ है, ये सब ठीक नहीं है। माँ विवाह हुआ तो क्या बेटे की जिम्मेदारी भूल जाऊं मैं? जाइए माँ। देखा ना कैसे मेरी जरा सी चालाकी से कितनी आसानी से दूर हो गए तुम दोनों। इस घर में आज तक भला पत्ता तक हिला है मेरी इच्छा के बिना? वरना देर लगेगी क्या तुम सबको मेरे बाबूजी के घर से निकालने में? तभी तो तुम्हारे बाबा भी वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। जब तक बहू चार बकरियां नहीं लाएगी उसे पत्नी का हक नहीं मिलने दूंगी। अगर मुर्गी बनकर अंडा देंगे तो देख सकते हैं ये जादू वाला खेल। हाँ दूंगा अंडा, अंडा दूंगा।
अच्छा देखो बटू कितनी अच्छी है बोंदिता, ने क्या किया था उसके साथ, गलत किया था ना, फिर भी बोंदिता ने हाँ कह दिया। चलो अब बोंदिता को वादा करो कि दोबारा ऐसा कोई मजाक नहीं करोगे। सॉरी। क्या जादू का खेल यहाँ हवेली में? बाबा काका जादू का खेल जरूरी है बंदिता के लिए। कब खत्म होंगे तुम्हारे नए नए तमाशे अनिरुद्ध? अरे मान क्यों नहीं लेते हो अपनी हार? जब तक आखिरी पल नहीं बचता ना बाबा निर्णय में, तब तक नहीं मानूंगा हार। ठीक ठीक है ना बिनोय, करने दो इसे जो करना है, क्या बुराई है। वैसे भी आखिरी रात है बहू की इस घर में, कल सुबह तो निकल ही जाना है उसे। जाते जाते खुशी के कुछ पल मिल जाए तो क्या बुराई है उसमें। सही कहा काका, आज और कल में पूरी रात बाकी है और मैं पूरी रात कोशिश करता रहूंगा कि बोंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। कल सुबह आप अपना निर्णय दे सकते हैं। बिहारी सारे इंतजाम तुम्हें संभालने होंगे, क्योंकि जब तक जादू का खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं स्टडी में बैठा रहूंगा। कुछ नहीं बदलने वाला था, रात भर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसे अनिरुद्ध का आखिरी तमाशा ही समझिए। ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा जो रात भर में अनिरुद्ध को जीत दिला दे। इस लड़की को इस हवेली से कल की सुबह हमेशा के लिए जाना ही होगा। बहू का अच्छा श्रृंगार किया है कोयली ने। सही भी है, आखिरी रात है बहू के इस घर में। कब आएगा जादूगर? तुम्हारी तरह नकली नहीं है, असली का जादू होगा। मशहूर जादूगर बुलाया है पति बाबू ने मेरे लिए। हार के सदमे से पागल हो गए हैं निरुद्ध, लेकिन उसका कोई भी पागलपन बोंदिता को उसके मायके ले जाने से रोक नहीं सकता। मैजिक शो वाला तमाशा जो है सुदामिनी, इस लड़की की विदाई का तोहफा ही समझो तुम। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, ये बात अनिरुद्ध अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए तो यहाँ तमाशे में दिख नहीं रहा है बल्कि अपनी स्टडी में दवाइयों की किताबें पढ़ने का नाटक कर रहा है। मैं भी आती हूँ ना वहाँ, इस जीत में तो मुझे भी शामिल होना चाहिए ना बिनोय अंकल। नहीं 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 नहीं, तुम आज मत आओ, कल सुबह एकादशी पूजा में ही आना। और जो शगुन त्रिलोचनदा बोंदिता से करवाने वाले थे तो तुम्हें ही तो करना होगा। चलो अरे पहले ही इतना खेल कर दिया है अनिरुद्ध ने, अब क्या नया खेल होगा। वैसे भी ये मैजिक शो हम बच्चों के लिए है काका, आपके लिए और बाबा के लिए नहीं।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.